हमने शायद गलत लगेज उठा लिया। ट्रेडमार्क नहीं था। मैंने तो क्लीनर जैसे कपड़े पहने थे और सेम लगेज भी खरीद लिया उस ठंडे इंसान जैसा। सीके ने क्या किया है? ये क्या डाला है बैग में? ये मैं कैसे पहनूं? क्या है ये? हे अना, कहाँ हो तुम? तुम मिल नहीं रही हो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने कितनी बार कॉल किया तुम्हें? ओह, मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स हैंडल कर रहा था। वैसे तुम हो कहाँ? क्यों ना बार में मिले? वैसे हुआ ये है कि मैं चली गई हूँ। चली गई? कहाँ? मैं तो बस 5 मिनट के लिए गया था, ऐसे कहाँ चली गई तुम? मैं शिप छोड़ चुकी हूँ। ये देखो अना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम मेरे साथ रहोगी और फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें पता है इस बार मैं मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे लिए रहते हो, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत जरूरी है। पेरिस ओपेरा पर खड़े रहने वाली मैं पहली चाइनीज लेडी रहूंगी और मैं व्हाइट स्वैन भी रहूंगी। तुम्हें मुझ पर नाज होगा ना? खुश होगे ना तुम? तुम्हें पता है ना, ये मौका मिलना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। हाँ मैं जानता हूँ, मैं हमेशा से ही तुम्हारी ड्रीम्स के बाद ही आता हूँ, लेकिन आना इस बार चीजें बहुत ही डिफरेंट हैं। मुझे पता है कि तुम किसी भी हालत में मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं तुमसे इसलिए बात करना चाहती थी ताकि इस डिसीजन पर मैं तुम्हारी राय मांग सकूं, लेकिन उसके पहले ही मुझे अपना डिसीजन लेना पड़ा। ये अभी क्यों होना था हमारे साथ? मुझे माफ करना। छोड़ो अब। लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी चांस होगा ना। इसके आगे प्लीज मेरा पेशेंस टेस्ट मत करना। प्रॉमिस ही आखिरी बार होगा। आई लव यू। तुम हमेशा से ही मुझे मना ही लेती हो। बोर्ड करने पर अपडेट करना। बाय। वांगशी, तुम फिर से हार गए।
गया सब। मैंने क्रेडिट कार्ड पूरा यूज कर लिया है, लेकिन उसके साथ मेरी अच्छी मेमोरीज बनेगी, उसके लिए ये ठीक है। मुझे तैयार होना है, गुजी इंतजार कर रहा होगा। कैसा लगा? एक मिनट। हाय गुची, मुझे कुछ अर्जेंट काम था और मैं तैयार भी हो रही थी, मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से होने दो। मैंने कैसेनोवा रेस्टोरेंट में दो लोगों का खाना ऑर्डर किया है। जब आओगी तो रूम नंबर बताना। हाँ हाँ, ओके। हो गया काम। आह, अकेले आना होता है इस शिप पर, तुम्हें कभी आता ही नहीं। आप कौन है? आ रहा हूं। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे बाल जिप में फंस गए हैं। तुम्हें एक औरत से पूछना चाहिए, तुम ये मुझसे कैसे पूछ रही हो? मैं वही करना चाहती थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा क्लीनर बिजी है, 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है, हम डिनर पे जा रहे हैं। ठीक है, अंदर आओ। बीच रास्ते में ऐसे करूंगा तो चलेगा तुम्हें, इसलिए तुम्हें अंदर बुला रहा हूं। डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, थैंक यू। कहां है? यहां, यहां। ठीक है। क्या कर रहे हो? अपना कैची ला रहा हूं। प्लीज ध्यान से करना, प्लीज। हाँ, डरो मत, हिलना मत। तुम्हें रिंग मिल गई, तुम्हारा प्रपोजल अच्छा हुआ होगा। तुम बहुत हैंडसम हो और मेहनत भी की है, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती पक्का हाँ कह देती। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, वेलकम टू 3-स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट, इस तरफ प्लीज। वो मिस्टर कहा है? सॉरी, वो अभी काम में व्यस्त है, उन्होंने अभी कहा है कि हम आपको सर्व कर दे जब आप आए, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ बोलो। हाय गुच्ची, मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? अरे वो मेरे पेट में जरा गड़बड़ है, इसलिए मैं रूम में जाके दवाई लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ना। मेरा केक गिर गया। मैंने कहा था ना भागो मत, I'm really sorry। अरे अरे कोई बात नहीं, मेरा केक। अब रोना बंद करो और चलो 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 यहाँ से। क्या करते रहते हो तुम? एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू सर? क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? अपना नाम बताएंगे प्लीज?
मेरा नाम है वांग सी यी। वांग सी यी, ओके, अभी बताती हूँ। थैंक यू। तो हम तुम्हारे कमरे में जाएंगे अगर उसने देख लिया तो? अरे नहीं, वो तो एक नंबर की पागल लड़की है, वो अभी भी वहाँ बैठी होगी। मुझे चिंता तो तुम्हारे बॉस की है, कब तक खेलता रहेगा वो? अगर वो बोर हो गया तो? चुप हो जाओ, वो मुझे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगी। ये इस शिप पर हमारा पहला खाना है, ये बहुत ही अच्छा है। ये वाइन भी अच्छी है, गुची को बहुत पसंद आएगी। उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया है, तुम कैसे खा रहे हो? उसके लिए मत रुकना। ये खाओ। कुछ तो खाओ, तुम्हें बहुत देर से भूख लगी होगी ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, ये तुम्हारा रूम कार्ड। सॉरी। जब मैं खाना खत्म करूं हम साथ में रूम चलेंगे। मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, तुम्हारा होते ही निकल जाना। मेरा रिंग खो गया है। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें किसी पे शक हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है, खास करके तुम्हें वो रिंग पसंद है और ढूंढने में भी मदद की थी। Am I right? वो मैंने नहीं चुराई। ठीक है, तुम्हारे रूम चलेंगे और वहीं सब देख लेंगे। तुम सच कह रहे हो? जल्दी करो, मुझे मेरा काम है पर मुझे जाना भी है। कौन 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 कौन? मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में रुकने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आई? ये क्या चल रहा है? सुनो मेरी बात, ये लड़की सामने वाले कमरे में रहती है। जब मेरे पेट में काफी गड़बड़ थी मैं उसके पास गया दवाई लेने, वो वहां पे बालकनी में खड़ी थी और वो समंदर के लहरों की वजह से भीग गई और उसे एक्स्ट्रा ड्रेस चाहिए था इसलिए यहाँ आई है। लेकिन तुम तो मेडिसिंस लेने गए थे, वो हमारे कमरे में कैसे आई? और उसका ड्रेस तो सूखा हुआ है। सुनो तुम मुझ पे शक कर रही हो? एक तो मेरे पेट में दर्द था, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम रेस्टोरेंट में बैठे बैठे खाना खा रही थी और अब यहाँ आके तमाशा कर रही हो? हाँ, मुझे ये नहीं कहना था। तो क्या, क्या है? तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों साथ में बेड में क्या कर रहे थे? और वैसे भी सामने वाली जो रूम है वो मेरी है, उसमें बालकनी भी नहीं है। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है, अब मैंने दवाई ले ली है तो मैं चलती हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया पागल है?
तुमने एक आदमी को अपने जाल में फंसाया और तुमने अपने ही गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाया और उसे मना भी कर रहे हो। तुम हो कौन और तुम यहां आके हमारे बीच में क्या कर रहे हो? जी एक्शन, तुम इस आदमी की वजह से अपने बॉयफ्रेंड पे शक कर रही हो? मैं, मुझे नहीं पता। इस ब्लैक ड्रेस में तुम काफी सेक्सी लग रही हो। क्या तुम चाहते हो मैं उसके कपड़े पहनूं और उसे पता चला दो? मेरी गर्लफ्रेंड तो एक नंबर की बुद्धू है, उसे कोई भी पागल बना सकता है। उसे इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि मेरे पेट में दर्द नहीं है, मैं उसे कैसे भी झूठ बोल सकता हूँ। वो वहाँ बैठे बैठे मेरा इंतजार करेंगे और हम यहाँ पे मजे करेंगे। सच में पागल है वो, उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। मैं ऐसे उसे हमेशा पागल बनाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी मिली भगत है। हाँ, मैंने ये किया, पर तुम क्या हो? एक बात बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मैं इन्हें नहीं जानती, हम तो यही शिप पे मिले थे। अच्छा, ऐसी बात है, अब कहानी बना रही हो तुम। यहाँ पर तुम पकड़े गए हो, घूमकर हम पर इल्जाम मत लगाना। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और अब तुम चुप क्यों हो? चेंज एक्शन, आज समझ में आया तुम कैसी हो। ये रिश्ता खत्म, बाहर निकलो। फिर जा रहा हूं, तुम मत बताओ। मैंने इस रूम के पैसे दिए हैं। ऐसी बात है, तुमने ही पूछा था मुझे यहां आने के लिए, तो पैसे तो तुम्हें ही भरने होंगे ना। ओ, अभी तुम्हें सोने के लिए जगह नहीं है क्या? तुम यहां सोफे पे सो सकती हो, और अगर तुम्हें यह बेड चाहिए तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पागल हो क्या? उस गधे के लिए अपनी जान दे रही हो? मैं खुदकुशी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी शॉल निकाल रही थी। सॉरी, अभी मैं क्या तुम सॉरी बोलना बंद कर सकती हो? सॉरी मैं वो नहीं कहना चाहती थी। मैं भी तुमसे क्या बोल रहा हूं, तुम सही थे, मैं ही पागल हूं। वो अपने फोन से कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन उसने मुझे बताया मुझे वो चाहिए और मैं भी चली गई। गुची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और मैंने उसके लिए इतनी सारी मेहनत की,
मैंने क्रेडिट कार्ड के सारे लिमिट पार कर दिए क्योंकि सिर्फ उसे अच्छा लगे और वो मुझे थोड़ा सा पसंद करे। मैं हर रोज वेट करती हूँ और होप करती हूँ कि कोई तो मेरे में कोई अच्छा ही देखे, लेकिन ये शहर इतना बड़ा है कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता है। मैं सिर्फ एक स्टिकी नोट जैसी हूं, मैं एक स्टिकी नोट जैसी हूं जिसे इजीली फेंक सकते हैं। खुद को देखो जरा, ये बड़े बद्दे से ग्लासेस पहनती हो और ये तुम्हारी स्कूल गर्ल जैसे बोरिंग हेयर स्टाइल। बताओ मुझे, कौन सा आदमी तुम्हें पसंद करेगा? हाँ, तुम सही हो, मैं एक सीधी लड़की हूं जो लोगों को नहीं पहचान सकती। बाय द वे, तुम्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं है, तुम उसके पास वापस जा सकते हो। उसे इंतजार मत करवाओ, वो गुस्सा हो जाएगी। मैं तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? तुम मुझे संभाल रहे हो अभी यहाँ? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं संभाल रहा था बल्कि अपने आप को भी। इसका क्या मतलब? वो छोड़ के चली गई प्रपोज के पहले ही। चली गई? कहाँ चली गई? यूरोप। वो एक बैले की प्रिंसिपल डांसर है और बैले को उसकी जरूरत है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लगता है आज का दिन हम दोनों के लिए खराब था, हम दोनों को ही फेंक दिया एक स्टिकी नोट की तरह। लेकिन ऐसा क्यों, हमेशा हमारा ही दिल टूटता है और तोड़ने वाला आराम से निकल जाता है। कौन कहता है कि हमें सिर्फ सदमे में रहना है? मेरा मूड खराब है और तुम मुझे यहां पर मिली हो। चलो, कहाँ जाना है? बदला लेना है। आ? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, अपनी सारी तरकीबें यूज कर लो और इसे लाजवाब परी बनाना ताकि सब इसे देखें। तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा मुश्किल है? हम ऐसे ही नहीं जा सकते, मुझे लगता है मेरे ये कपड़े यही ठीक है। छोड़ो, मुझे कोई रिलेशन में नहीं आना है। अगर तुम अपनी जिद पर ऐसे ही अड़ी रही तो फिर तो तुम ऐसे ही बोरिंग औरत बन के रह जाओगी। मंजूर है तुम्हें? मुझे नहीं चाहिए। चलो, आखिर तुम्हें दिख ही गया, तो हम शुरुआत करेंगे इन बद्दे चश्मे को निकालते हुए। ये गए वो। मेरा चश्मा कहाँ है? मैं बाहर रुकता हूं आपके लिए। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। हे ब्यूटीफुल, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है? इतनी ड्राई स्किन, इस पे मेकअप कैसे करें? गाइज, इन्हें थोड़ा मॉइस्चराइजर दीजिए।
सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। सॉरी। खूबसूरती को मत बिगाड़ना, याद रखना यहाँ तुम हीरोइन हो और सभी की आंखें तुम ही पर हैं। कॉन्फिडेंट रहो। हीरोइन? तुम्हारे लिए तो क्रूज का ट्रिप अभी चालू हुआ है। बस पैसे नहीं है। बस कॉन्फिडेंट रहो, चेहरा ऊपर करो, कंधा सीधा, तुम ये कर सकती हो। आओ बैठो। जैसा है खूबसूरत है। थैंक यू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं कई किसी कोने में बैठ के रोती रहती। वैसे तुम बहुत कम खर्च करती हो, आज की शुरुआत तो वैसे हुई भी नहीं है। आ? तुम हमारे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भूल रही हो। क्या? एक बात याद रखना, जब तक हमला ना हो हमला मत करना, और अगर हमला हो तो सबक सिखा कर ही छोड़ना। चलो हम अपना हिसाब उस गधे के साथ सीधा करके आते हैं। तुम ये बिल्कुल कर सकती हो। मेरा निशाना गलत लगा तो? अगर लड़कियां सब कुछ कर सकती तो हमारी जरूरत ही क्या थी। तुम्हें सिखा के थक गया हूं, चलो वाइन पीते। अच्छा ठीक है। डरना मत। चेंज एक्शन, ये तुम हो? ब्रेकअप हुए बस 2 घंटे हुए, उसने ग्लासेस निकाल दिया और हुलिया बदल लिया, तुम तो उसे पहचान भी नहीं रहे। इस पागल के साथ तुम काफी बदल गई हो। बेवकूफ तो तुम हो। क्या कहा तुमने? जो कहना है दिल खोल के कहो। तुमने अपने गर्लफ्रेंड के पैसे खर्च किए हैं, उसके पैसों से ये ट्रिप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन शिप पे आते ही
तुम दूसरी लड़की के साथ सो गए उसी कमरे में जो गर्लफ्रेंड ने बुक किया था। तुम इस दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती? सुनो, क्या तुमने उसे ऐसा कहने के लिए कहा? हाँ, मुझे मालूम था तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मेरा मूड काफी अच्छा है आज, क्यों ना एक गेम खेले? हाँ क्यों नहीं, हाँ चलो। क्यों, छोड़ दो ना उसे। तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? मुझे डर लग रहा है तुम हार जाओगे। गुची इस गेम में बहुत अच्छा है। मैंने कभी बिलियर्ड्स खेला नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहता हूँ। तुमने कभी ये गेम नहीं खेला? क्या? तुम्हारा हाथ देना। ये तुम्हारे हाथ में है तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। सुनो तुम, मैं शर्त लगाए बिना कुछ नहीं खेलता, तो कुछ तो शर्त लगानी होगी। तो क्या खोना चाहते हो तुम? अगर मैं हार जाता हूं तो ये सारे बॉल्स खा लूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो इनमें से किसी एक को खा लेना। शेंजियाक्षिन, तुम इस गधे को कैसे पनिश करना चाहोगे? मैं इसे मुझसे माफी मांगनी होगी, ये उसी के लायक है। मंजूर है। बढ़िया खेल रहा है। तुम पहली बार खेल रहे थे ना? हाँ ये सच है, जब तुम खेल रहे थे मैं देखकर सीख रहा था, अब बस खेल रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम, ये सब करके भी तुम मुझे हरा नहीं सकते, समझे? हे, जरा जगह बनाओ प्लीज।
काफी मुश्किल लग रहा है ये लास्ट बॉल को मारना, लेकिन मोहतरमा आप मेरा लास्ट शॉट लेना चाहेंगी? शेन जैक्सन, लास्ट शॉट तुम मेरे लिए खेलोगी? जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं उसको तुम लेडी लक कहते हो? ये लेडी लक देखने में काफी मजा आएगा। तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने आप पर भरोसा है? क्या मुझ पे भरोसा है? बस मारो जैसे मैं कहता हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी से तुम्हारे पास भी ताकत होगी और हिम्मत और किस्मत भी। साधारण लड़कियों को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। भरोसा करो खुद पर। तुम्हारा हाथ लाओ, आराम से, अच्छी बात है। तीन, दो, एक। हम जीत गए। वाओ, वाओ। बधाई हो। थैंक यू। हार मान लो अगर मर्द हो तो। सही तो कह रहा है ये, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैं अपने बॉस से मिलने जा रही हूँ, अच्छे से माफी मांगना। माफ कर दो। जोर से माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हारा डेजर्ट रह गया। जी एक्शन, तुम देख रही हो ना, मैं यहां पे हार गया हूं। मैंने सॉरी भी कहा तुमसे, हम रिलेशनशिप में थे ना, मुझसे इस तरह बर्ताव मत करो। हाँ, तुमने कभी भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड माना है? मैं सिर्फ एक एटीएम थी। मैं इतनी पागल थी कि तुम्हारे ऑर्डर के बिना खाना भी नहीं खाती थी। अभी मैंने तुम्हारी असलियत देखी है, तुम्हारी हर बात से मुझे घिन आती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं गलत इंसान हूँ, पर तुम मुझे निकलो यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। भूख लगी है? अगर तुम ना कहोगी तो मैं खुद खा लूंगा इसे। चलो हंसो आप। सो मच, ये पहली बार है मैं अपने लिए लड़ी हूं। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। मेरे इस बोरिंग से शिप जर्नी में तुमने तड़का डाल दिया, लेकिन इस सारे झमेले में उसे हम वो एक बॉल भी नहीं खिला पाए।
तो कैसा लगा उस गधे से बदला लेकर, बताओ जरा। थैंक यू, आज ये तुम्हारी वजह से हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है अब मैं पूरी तरह से इस रिश्ते को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। ये रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं। शेन जैक्सन, तुम काफी आगे बढ़ चुकी हो। हाँ, हम सबको बड़ा होना पड़ता है। आज के दिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, अब मैं वापस जाके अच्छी नींद ले पाऊंगी। चलो चलते हैं।